Deitel and Deitel. Fill in the blanks in each of the following. जो भी आगे खाली स्थान है उनको भरना है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं. एवरी सी प्रोग्राम बिगिन एग्जीक्यूशन एट द फंक्शन. कोई भी प्रोग्राम सी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कहाँ किस फंक्शन से स्टार्ट होता है, किस फंक्शन से आरंभ होता है, तो इसका आंसर है मेन फंक्शन. जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें मेन फंक्शन जहाँ लिखा होता है उसके बॉडी में क्या लिखा है वो ही एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फंक्शंस बॉडी बिगन्स विद एंड एंड्स विद. कोई फंक्शन है उसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है. तो कोई फंक्शन है उसकी बॉडी लेफ्ट ब्रेस से स्टार्ट होती है, राइट ब्रेस से एंड होती है. मतलब जैसे फंक्शन में ये मेन फंक्शन है तो इसका इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्या लिखा जा रहा है जो इसका इसकी बॉडी कहलाता है, वो बाएं मजले कोष्ठक से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है और दाएं मजले कोष्ठक पर बंद हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद एन. कोई भी स्टेटमेंट है उसका एंड कहाँ पर होता है. आंसर देखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है उसका एंड सेमी कॉलन पर होता है. जैसे ये प्रोग्राम है इसमें किसी भी लाइन में देखा जा सकता है इसका एंड एक सेमी कॉलन पर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है. आंसर प्रिंट एफ. प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस समय स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है. जैसे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है गिव एन इंटीजर न्यू लाइन, और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट गिव इंटीजर और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन रिप्रेजेंट्स द करेक्टर. जो एस्केप सीक्वेंस है बैकस्लैश एन ये किस करेक्टर को डिनोट करता है जिससे कर्सर नई लाइन में स्क्रीन पर नई लाइन के शुरुआत से शुरू होता है, शुरुआत में चला जाता है. मतलब ये कौन से करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बैकस्लैश एन जिससे जब इसको प्रिंट टाइप में दिया जाता है तो कर्सर नई लाइन के शुरू में चला जाता है. आंसर देखते हैं, न्यू लाइन करेक्टर. जैसे यहाँ पर बैकस्लैश एन लिखा है तो ये प्रिंट होने के बाद कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है जो जब कीबोर्ड से हम कुछ डाटा देते हैं तो उनको रीड करता है. उत्तर, वो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्कैन एफ है. जो भी इन कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो यहाँ पर ये वेरिएबल में पढ़ लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन सा है जो स्कैन एफ फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग, जो स्कैन एफ में पहले स्ट्रिंग होती है उसमें इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए, इनपुट में इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए, या प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग में आउटपुट में इंटीजर को डिनोट करने के लिए काम में लिया जाता है. तो वो कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी है जो इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए काम में लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर ए न्यू लाइन इज प्लेस्ड इन ए मेमोरी लोकेशन दैट वैल्यू ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू इन दैट लोकेशन, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी. जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में किसी वेरिएबल की नई वैल्यू देते हैं, कोई वेरिएबल उसको नई वैल्यू देते हैं, नया मान देते हैं, तो वो पुरानी वैल्यू को वहाँ से हटा देता है और नई वैल्यू लिख देता है मेमोरी लोकेशन में उस जगह पर. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं. जैसे स्कैन एप में हमने आई की वैल्यू रीड की तो आई की पुरानी वैल्यू क्या भूल जाएगा और वहाँ पर नई वैल्यू जो भी रीड किया वो दे देगा. इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं. वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन से कोई वैल्यू रीड की जाती है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता,
चेंज नहीं किया जाता, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जब प्रिंट एफ में हमने आई की वैल्यू रीड की लेकिन वहाँ पर आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। डिसीजन लेने के वाले स्टेटमेंट्स को जो द स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? तो ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट होता है, जैसे इस एग्जांपल में इफ आगे जो भी कंडीशन है वो और आगे लिख दिया। यहाँ पर ये ट्रू है, जो कंडीशन लिखी है ट्रू है या फॉल्स है उसके आधार पर ये डिसीजन लेगा। ट्रू है तो बॉडी में जो लिखा है वो काम करेगा, फॉल्स है तो नहीं करेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, उनमें ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर्स हैं, हम बड़े करके देख लेते हैं। यदि किसी का आंसर फॉल्स है तो वहाँ कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन, जो प्रिंटर फंक्शन है वो हमेशा नई लाइन से लिखना स्टार्ट करता है, नई लाइन में शुरुआत से लिखना स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, तो ये कथन, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रिंटर नई लाइन के शुरुआत से लिखना स्टार्ट नहीं करता, वो जहाँ कर्सर है वहीं से लिखना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे प्रिंटर पहले में समथिंग लिखा, स्पेस लिखा और दूसरे में टू प्रिंट। अब जो ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले प्रिंट टाइप से समथिंग स्पेस तक प्रिंट हो जाएगा, जो बाद में नया प्रिंट टाइप है उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो है टू प्रिंट। ये इसी लाइन में यहाँ प्रिंट हो गया, ये नई लाइन में नहीं गया, इसका मतलब अपना क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट गलत था, असत्य था। Commands cause the computer to display the text after double slash on the screen when the program is executed. जो कमेंट्स होते हैं जिनको हम डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं वो स्क्रीन पर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं जो इनके आगे लिखा हुआ है। ये सेंटेंस भी गलत है, फॉल्स है, और इसका कारण कमेंट्स ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि प्रो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते ही नहीं, जब एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर उनकी को काम में लिया ही नहीं जाता, उनको कंपाइलर ही नहीं पढ़ता, ये सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ स्लेस स्टार स्टार स्लेस वाला एक कमेंट है, यहाँ डबल स्लेस वाला कमेंट है, दिस इज ए कमेंट, ये जस्ट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हैं, जो रीडर रीड कर रहा है उसको ये अच्छे समझ में आए इसके लिए, और कोई मीनिंग नहीं है। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लेस एन जो है वो जो प्रिंट एप में यूज किया जाता है, प्रिंट एप की फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में यूज किया जाता है, तो ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरुआत में ले जाता है। हाँ सही है, ट्रू है। जैसे पिछले एग्जांपल में समथिंग के आगे यहाँ बैक स्लेस एन लगा दिया तो प्रिंट आउट में समथिंग के आगे जो नेक्स्ट प्रिंट है प्रिंट कर रहा है वो शुरुआत से स्टार्ट हुआ प्रिंट होना। आगे दो क्वेश्चंस हैं, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर यूज्ड, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी गिवन ए टाइप व्हेन दे आर डिफाइंड। मतलब यदि कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, उसको हम काम में ले रहे हैं, जैसे किसी एक्सप्रेशन में काम में ले रहे हैं, कैलकुलेशन में काम में ले रहे हैं, प्रिंट या स्कैन में काम में ले रहे हैं, उससे पहले उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कंप्यूटर को कि ऐसा कोई वेरिएबल हम काम में लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा बताने के लिए उसका डाटा टाइप बताना ज़रूरी है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, डबल है, क्या है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, दोनों ही कथन सत्य हैं। जैसे यहाँ पर हमने a इक्वल टू बी प्लस सी लिया, एक को b और c की वैल्यू का एडिशन असाइन कर रहे हैं, तो इससे पहले यहाँ इनको बताया भी गया है कि a b c
हम काम में लेंगे, और इनका डाटा टाइप बता दिया गया कि ये इंटीजर हैं। तो ऊपर वाला पार्ट डेफिनेशन है, नीचे वाला पार्ट यूज है। सी कंसिडर्स द वेरिएबल नंबर एंड नंबर टू बी आइडेंटिकल। यहाँ ये नंबर में सारे लोअर केस में छोटे अक्षर हैं और दूसरे नंबर में एन एम और ई बड़े अक्षरों में। क्या इनको सी प्रोग्रामिंग समान तरह से दिखाएगा, समान तरह से काम में लेता है, समान मानता है, एक जैसा मानता है? तो आंसर है फॉल्स। सी केस सेंसिटिव है तो वेरिएबल नेम्स को एक जैसा नहीं मानता। यहाँ पर एन एम और ई जो इस वेरिएबल नेम में है वो एक में लोअर केस हैं, दूसरे में अपर केस हैं, इसलिए इनको अलग अलग माना जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में बॉडी में किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल की डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हैं। क्या ये सही है? आंसर है नहीं, गलत है, ये फॉल्स है, ये असत्य है। इसका कारण, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की डेफिनेशन सबसे ऊपर दी जाती है, और एटलीस्ट कोड में किसी वेरिएबल को यूज किया उससे पहले तो देनी ही पड़ेगी। और माइक्रोसॉफ्ट यूजुअल सी प्लस प्लस है, उसमें तो इसको मेन फंक्शन की बॉडी जहाँ स्टार्ट होती है वहीं शुरुआत में सब वेरिएबल्स की डेफिनेशन देनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोइंग द फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग इन ए प्रिंटएफ स्टेटमेंट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय एन एम्परसैंड। तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में, प्रिंटएफ फंक्शन में कुछ भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं जो उसकी फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में आते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स में एम्परसैंड लगाना ज़रूरी है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये फॉल्स है, असत्य है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में देते हैं ये एम्परसैंड के साथ नहीं होते, ये स्कैनएफ में ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ये एम्परसैंड है वो एड्रेस को डिनोट करता है, और हम प्रिंटएफ में एड्रेस प्रिंट नहीं कर रहे। यदि एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं तो हमें एम्परसैंड लगाना होता है, अन्यथा नहीं। द रिमाइंडर ऑपरेटर कैन बी यूज विद इंटीजर ऑपरेंड्स। जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, शेषफल संकारक जो सी प्रोग्राम में परसेंटेज से डिनोट किया जाता है, उसको इंटीजर्स पे ही लागू किया जा सकता है। आंसर है ट्रू, हाँ इंटीजर्स पे ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटीजर्स के लिए परिभाषित है। सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर भी एक फंक्शन है जो मैथ लाइब्रेरी में डिफाइंड है, लेकिन ये जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स स्टार स्लैश परसेंटेज प्लस एंड माइनस ऑल हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। सी प्रोग्रामिंग में जो ये पांच ऑपरेटर बताए हैं, मल्टीप्लाई, कोशेंट मतलब डिवाइड, शेषफल, रिमाइंडर, एडिशन जोड़ना और घटाना डिफरेंस, इनका इनकी वरीयता समान होती है, इनको बराबर वरीयता दी जाती है कैलकुलेशन में। क्या ये कथन सत्य है? आंसर है फॉल्स, नहीं ये असत्य है। इसका कारण है कि जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर मतलब शेषफल, गुणा और भाग, इनकी वरीयता ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, इनको पहले कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जोड़ना और घटाने का काम किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू फोर स्टार फाइव प्लस सिक्स अपॉन स्लैश थ्री। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम फोर स्टार फाइव इसको सॉल्व करेंगे एंड सिक्स अपॉन थ्री उसको सॉल्व करेंगे। 4 स्टार 5 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 हो जाएगा, 6 अपॉन 3 2 हो जाएगा, उसके बाद एडिशन को कंप्लीट करेंगे और एक ही वैल्यू 22 हो जाएगी। ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स 3 लाइंस ऑफ आउटपुट मस्ट कंटेन 3 प्रिंटएफ स्टेटमेंट्स। एक प्रोग्राम जो 3 लाइनों में आउटपुट को प्रिंट करता है, 3 पंक्तियों में आउटपुट को प्रिंट करता है, उसमें 3 प्रिंटएफ स्टेटमेंट होने चाहिए। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये कथन असत्य है। एक ही प्रिंट टाइप स्टेटमेंट में बैक स्लैश एन लगाने पर वो
हमें न्यू लाइन में ले जाएगा, इसलिए एक से ज़्यादा बैक स्लैश एन लगाकर हम अलग अलग लाइन्स में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रिंट एफ फर्स्ट लाइन बैक स्लैश एन सेकेंड लाइन बैक स्लैश एन थर्ड लाइन बैक स्लैश एन, तो इसका आउटपुट होगा इस तरह से, तीन लाइनों में आ गया, फर्स्ट लाइन पहली में आ गया है, सेकेंड लाइन दूसरी पंक्ति में आ गया है, थर्ड लाइन तीसरी पंक्ति में आ गया है। यानी यहाँ स्टेट